राम राम जी। तो भाई मैं हूँ आपका भाई राहुल सेन। भाई मैं आपका भाई मनीष चौधरी। और भाई आज हम ले गए हैं गाना जिसका नाम है जट महकमा भाई यो यो हनी सिंह। और बाकी देखेंगे गाने में किसने कैसे कैसे काम करा और कैसे नहीं। तो सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और कहेंगे ढूंढा हेड़ा मुझे खेड़ा। तो भाई इस गाने की ऑडियो पहले हमने कवर कर ली थी जो कि भाई अपने को बहुत पसंद आई थी। और उस टाइम पे हमने ये भी कही थी कि भाई इसकी वीडियो भी आनी चाहिए। हमारे कहने थे वीडियो आ गई देखो। और तो फाइनली वीडियो आ गई है आपकी सेवा में और देखते हैं वीडियो में कैसे कैसे काम हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट 1 2 3 लेट्स गो। इन द लॉन्ग मेमोरी ऑफ ललित जट महकमा। अल्फाज ले लिया भाई। शुरू शुरू में अल्फाज दिखा दिए बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे दिखते हैं यारी देख ला यारी कितनी पक्की है। मैं भी यही यारी 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 है चाहे कुछ भी हुआ हो। बिल्लो नहीं हो जट महकमा यो बेबी चलो। जट महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा आंदा फिर जट महकमा सोच तो भी बाहर चल दे नाल जेड़े यार चल दे काले कारोबार चल दे ते जिंदा नहीं हूँ फक महकमा। यूं कह रहा है सोच से भी बाहर चलते जो साथ में यार चलते हैं ठीक है और काले कारोबार चलते हैं। फिर लास्ट की लाइन वो मुझे पता नहीं क्या कही यार नहीं गुंडा कुछ करके ना काले कारोबार चलते ते जिंदा नहीं हूँ फक महकमा वो पहलो नहीं है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा आंदा फिर तक महकमा ओ बिल्लो नी है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा आंदा फिर तक महकमा। भाई बीच में रोक के एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी इनकी आपस में चल रहा है ना उसको क्रेडिट को लेके और लिरिक्स को लेके फाइट वो साइड कर दो ठीक है बिल्कुल। और ये बात एकदम कति थापी ठोक के वाली बात है कि हनी सिंह का म्यूजिक ना कोई बीट नहीं कर सकता फिर इंडस्ट्री में। ये तो सही बात कह रहा है एकदम म्यूजिक ना मतलब सर पे चढ़ के बोलता है बिल्कुल। उस टाइम पे भी जो पंगा पै गया और अभी तक म्यूजिक चल रहा है ना म्यूजिक में तोड़ नहीं है भाई इसका। एक बात ये भी है कि इनको पता है कि हमारे यूथ को कैसा गाना देना है कैसा म्यूजिक देना है। म्यूजिक गोड कह सकते हैं है ना कह सकते हैं भाई बिल्कुल। यारी बामणा ना पक्की जट दी काली कैडी लक्की जट दी मित ही थरट मिल दे अख पूरी शक्की जट दी। भाई ने बोल दिया कि नित ही थरट मिल दे शायद मेरे ख्याल से शायद क्योंकि उस चीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो बिश्नोई वाली धमकी मिली थी। के ही माल चक ले यार बेली नाल चक ले चैंबर च रौंद तक ले केड़ा लौगा डक महकमा ओ बिल्लो नी है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा आंदा फिर तक महकमा समझे चाला सी अटैच नी मैं होया कर देसी काबू पर कैच नी मैं होया ओही ओही यार बस कर गे गद्दारी जिना जिना कोलो एन कैश नी मैं होया चुप मेरी आज भी सतांदी ओना नू याद मेरी आज भी रोंदी ओना नू कर दे या फिर दे ग्रुप बाजियां चढ़ाई मेरी आज भी तपोंदी ओना नू। भाई पर सही बात है मतलब जो अपोजिट वाले बंदे हैं वो बहुत कुछ बोल रहे हैं इधर उधर जाके मतलब कमेंटबाजी कर रहे हैं जो भी है इनके बीच की लड़ाई है वो ये वाली बात तो मैं एग्री करूंगा कि जो भाई ने बोली ना कि या तो मेरी आज भी सतांदी उन्होंने याद तो सताती है भाई बिल्कुल भाई ठीक है। बादशाह ने गाना लिख दिया था रफ्तार ने इंटरव्यू में भी 2-3 बार बोल दिया था कि हाँ भाई हमारे अलग मसले हैं पर एक था मेरा भाई गाना था ना वो सेम बात एक बताऊंगा अभी ना हसल में एक बंदे ने एक गाना गाया उसमें एक लाइन थी हाँ मैं तेरा यो यो जैसे कला देसी कलाकार वाला तो वहां पर भी भाई ने यही चीज बोली थी
कि वो हमारी अलग हिसाब है, उस बंदे ने चेंज कर दी थी वो लाइन कि कहीं मेरे को पर भाई अपने आप में देखो तीनों बंदे अपने आप में बढ़िया चीज है, टॉप चीज है भाई, तीनों अलग अलग में अपने आप में टॉप चीज है। ठीक है, ये हम ये नहीं कह सकते कि सब चीज सब एक ही बंदे के पास है, ये चीज नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पंजे हाथ कीते हो या बैग के थोन, सबर नहीं पलदा ओ सैग के थोन, पैसे नाल मुल नहीं ओ मिलदी क्लास, मेरे जेहा रुतबा ओ लैक के थोन, असले ना मैग पे या डैश उते, फरारियां दा जोड़ा चक्का कैश उते, ओ फिर दे आ शेर तेरे कम पिछे, ते जट एथे आया होया ऐश उते, ओ पानी है जट मैग मा, पूरा फटे चक मैग मा, तेरे शहर विच खौफ यार दा, पौंदा फिर चक मैग मा, सोच तो भी पार चल दे, नाल जेड़े यार चल दे, काले कारोबार चल दे, ते दिंदा नहीं ओ फक मैग मा, ओ पिलो नहीं है जट मैग मा, पूरा फटे चक मैग मा, तेरे शहर विच खौफ यार दा, पौंदा फिर चक मैग मा, ओ बिलो नहीं है जट मैगमा, पूरा फटे चक मैगमा, तेरे शहर विच खौफ यार दा, पौंदा फिर चक मैगमा। पता एक चीज इसमें नोटिस हुई है कि अमित सैनी भाई का जो आया धारा 302 उसमें, और मतलब गाने को रिलेट करने वाली बात नहीं लेकिन मैं रिलेट कर देता हूँ यहाँ पे, उसमें अमित सैनी भाई ने बोला है ना को हमसे पंगे होंगे, मतलब सारे नाबालिग बालक हैं, बालक है हमारे बस्ताग। तो यहाँ पे हनी सिंह भाई ने वो ही दिखा दिया यहाँ पे कि हमारे पास नाबालिग बालक है, तुझे मार भी देंगे कुछ नहीं होगा, उनका कुछ भी ना होगा, एक साल बाद फिर बाहर। ये तो बहुत ही पुराना हो गया बहुत टाइम से, कैंदी यो हनी सिंह। एक बार भाई आएंगे के स्क्रीन के ऊपर ही एक बार आप देख लेते हैं क्रेडिट्स, क्योंकि मजा आ गया वीडियो वगैरह जो भी भाई है। बहुत बढ़िया वीडियो थी वैसे, क्रेडिट है देखो, सॉन्ग का नाम है जट महकमा, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्टेड यो हनी सिंह, स्टारिंग तो करते हैं ठीक है साइड में, सिंगर यो भाई और म्यूजिक लियो ग्रेवाल के है, वो हैं तो काम बहुत बढ़िया है ठीक है जी। तो भाई ये है गाना जट महकमा जिसकी वीडियो आ चुकी है ठीक है जी, गाना हमने पहले सुन लिया था, रिएक्शन भी पहले दे दिया था, और बाकी वीडियो तो इंटरनेशनल वाली लग रही है पूरी, बाहरी शूट हुई है मेरे हिसाब से, हाँ बाहर का पूरा कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन सब बेहतरीन, म्यूजिक हमने पहले सुन लिया था उसके ऊपर बात कर ली थी कि म्यूजिक ऐसा लग रहा है कि तुम एक बार फंसे तो घूमते रहोगे म्यूजिक के अंदर। सबसे बड़ी लाइन ये वाली थी कि जो यूनो कहता है कि यार चल दे कहता नहीं है फक मैं कमा, समझ रहा ना तुम, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, समझ गया मैं, पर लाइन बढ़िया लगी मुझे, समझ गया वो चीज कौन सी लाइन थी, पर बढ़िया लाइन थी। तो भाई वीडियो तो मतलब बढ़िया थी, बाहर शूट हुई है तो एक वो भी बेनिफिट रहता साफ सफाई वाला ना, ज्यादा बढ़िया रहती है वीडियो। तो भाई ज्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ऑडियो हमने पहले ही रिएक्शन कर दिया था तो सीधा। और एक बात और भाई ये कि जब जब काम इंटरनेशनल होता ना तो मजा आता, बिल्कुल मजा आता भाई, ऐसे ही अपना ढाना नौली वाला भाई है वो भी इंटरनेशनली काम कर रहा, बढ़िया बढ़िया, हरियाणा इंडस्ट्री में बेहतरीन, और कुछ और तगड़ा हो जाए तो और मजा आ जाए ठीक है। बाकी करते हनी सिंह भाई की बात, आप भी वाकिफ हो हम भी वाकिफ है, म्यूजिक में कोई आगे पीछे नहीं है और गाना तो खतरनाक है ही ठीक है। बाकी आप अपनी अपनी राय देते ना कमेंट में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और बाकी अगर आप और ज्यादा खुश होगी हमारी वीडियो देख के तो कुछ अच्छे अच्छे से कमेंट कर देना मेरे भाई ठीक है, बता देना भाई कहाँ से देख रहे हो, हाँ ये जरूर बता देना आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, से देख रहे हो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। तो करते हैं वीडियो यहीं पे एंड, इसी के साथ बोलेंगे दिल के साथ प्यार भरी राम राम जी।